आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं यहाँ से मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं धनिया का दिसंबर वायदा आठ पर कारोबार कर रहा है और बात करें जीरे की तो जीरे का दिसंबर वायदा सोलह पर है एक फ़ीसदी की करेक्शन के साथ और हल्दी का दिसंबर वायदा सात पर है एक फीसदी की करेक्शन के साथ और पिचासी का हाई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि आज शाम के कार्रवाई सत्र में मसालों में सुबह के मुकाबले एक हल्की सी करेक्शन बनती नजर आ रही है लेकिन मसालों में जो जानकार बता रहे हैं कि जीरा और धनिया काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ सकते हैं केड़िया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक जीरा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता नज़र आ सकता है साल के अंत तक भी और आने वाले साल में भी उनका मानना है कि जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है 20 दिसंबर 2021 के बाद से कुछ निकलनी शुरू हो जाएगी जो कि फरवरी के जो कि फरवरी 2022 के अंत तक बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहेगी तो ये जो समय होगा जीरे के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ट्रेडिंग के लिए और हाजिर बाजारों में भी क्योंकि इस दौरान हम देखेंगे कि जो जीरे की जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज्यादा ऊपर उठती हुई नजर आएंगी और अजय कीड़े के की मुताबिक जीरा इस दौरान इक्कीस हजार तक का भी लेवल दिखलाता नजर आ सकता है बात करें यहाँ से धनिया की तो धनी में भी अजय कीड़िया तेजी की ओर है धनिये में भी जो फंडामेंटल से मजबूत बनते नजर आ रहे हैं उनके मुताबिक पिछले दो सालों से लगातार धनिया और जीरा दोनों के जो कैरी ओवर स्टॉक है वो कम होते हुए देखे होते नजर आए हैं दूसरा धनिया की जो बुआई है वो भी थोड़ी कम देखने को मिल सकती है जिसकी वजह से धनिया की जो कीमतें हैं वो भी आगे जाके और तेज देखने को मिल सकती है अजय केडिया के मुताबिक धनिया साल 2022 में 12000 तक का भी लेवल दिखलाता नजर आ सकता है वहीं पे उनका हल्दी के ऊपर कुछ इस प्रकार के एनालिसिस रहा है कि हल्दी में हमने जो कीमतें हैं एक सीमित दायरे में देखी निचले स्तर पर जाती हुई देखी है हालांकि आज कुछ हल्दी की कीमतें कुछ तेज़ी के साथ कारवाहार करती नजर आ रही हैं लेकिन हल्दी की कीमतों में पहले वाली बढ़त देखने को नहीं मिल रही है तो अजय केड़े के मुताबिक हल्दी की कीमतों को तब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक हल्दी की बहुत ही अच्छी खासी एक्सपोर्ट डिमांड यानी कि निर्यात मांग निकलकर सामने ना आ जाए हालांकि हल्दी की जो निर्यात मांग है अभी भी है सर्दियों में भी थोड़ी खपत बढ़ जाती है क्योंकि सर्दियों में लोग नज़ला खांसी जुकाम बचने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं और आयुर्वेद में हल्दी को रामबाण माना जाता है सर्दी खांसी जुकाम भगाने के लिए तो थोड़ी बहुत खपत तो बढ़ती है लेकिन उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल पाएगी जितनी तेज़ी धनिया और जीरे में देखने को मिलेगी अभी हाल फिलहाल में जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं हल्दी में वो सतहत्तर सौ का लेवल बता रहे हैं कि हल्दी इन लेवल्स को अचीव करती नजर आ सकती है जिस हिसाब से हल्दी में अब छुटमुट तेज़ी बनती नजर आई है तो 7700 और 7800 के भी लेवल्स दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी